it is the fastest 50 for Kamran Akmal. Zabardast knock unki taraf se. Boom boom. Lala se poochte hain ki unki kya soch hai. Lala, jab aise form mein koi player ho, to kahan pe unko bowling karani chahiye? I think no doubt Kamran Akmal bahut achhi form mein hai aur mere khayal mein hum log thodi si bowling badi jo uska strong area wahi pe ball kiye ja rahe hain. I think if area dekhe thoda middle and off stump ke bahar ball rakha jaye to zyada behtar hai, lekin he is in such a good form. इस विकेट पे अभी देर 88 फॉर जीरो, तो क्या आपको लगता है कि किस कितने पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली दे हैव गॉट अ गुड स्टार्ट. नहीं, आई थिंक डिपेंड करते हैं कि किस तरह की बैटिंग करते हैं. उनकी बैटिंग लाइन अप बहुत अच्छी है पिशावर की, और मेरे ख्याल में आई थिंक 175-180 के बीच में करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा करना चाहिए जिस तरह का स्टार्ट लिया उन्होंने. लेकिन आई थिंक क्रूशल मैच है, बॉल भी गीला होगा जो हम समझ रहे थे कि उस तरह चीज़ें होंगी, लेकिन बॉल गीला होने की वजह से बॉलर्स को वो हेल्प भी नहीं मिल रही. लास्ट ईयर जब फाइनल हुआ था तब भी आप इंजर हो गए थे, और इस दफा भी यही हो रहा है, तो आई यू डिसअपॉइंटेड कि यू मिसिंग आउट? ऑब्वियसली लास्ट ईयर भी यही था कि फाइनल यहाँ मिस किया था मैंने, और इस बार ये इतना बड़ा मैच था मेरे लिए. मैं खुद चाह रहा था कि मैच पाकिस्तान जाके खेलें, लेकिन इंजरी सीरियस है थोड़ी सी, तो इस वजह से नहीं खेल पाया. बारिश की वजह से हम देख रहे हैं थोड़ा सा फील्ड पे भी प्रॉब्लम आ रही है, स्लिपरी हुआ हुआ है, तो कितना मुश्किल होता है कि जब इस तरह की सरफेस पे फील्ड करना? आई थिंक मैच के बाद लड़कों को पता चलेगा, इसलिए कि स्क्वायर से हटके जो वो है काफ़ी हैवी हुई है, पानी बहुत ज़्यादा है, बॉल भी गीला हो रहा है, तो बॉलर्स को बड़ी मुश्किल होती है बॉल करने में, स्पेशली स्पिनर्स को. आप ग्रिप नहीं कर पाते बॉल को, लेकिन यह कि इंजरीज के बड़े चांसेस होते हैं जब फील्ड हैवी हो जाती है, हैमस्ट्रिंग वगैरह पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है. अच्छा, ये बताएं कि इफ़ कराची गोज थ्रू तो आपका चांस है खेलने का कि नहीं? नहीं, मैंने लास्ट मैच ज़बरदस्ती खेला है. वैसे डॉक्टर ने 7 वीक्स बेड रेस्ट का कहा है, लेकिन ये कि लास्ट मैच मुझे नहीं खेलना चाहिए था. चलें, थैंक यू सो मच लाला एंड गुड लक. थैंक यू सर. थैंक यू.